भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटी और काली विद्या मैली विद्या ऐसी घटनाएं जिन लोगों के साथ घटती है वैसे इसे मानते हैं, जिनके साथ यह बात नहीं घटती है वैसे मिथ्य तथा दंत कथा मानते हैं। मेरा चैनल इस बात की गारंटी नहीं लेता कि अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए किसी भी विधि से कुछ भी नुकसान होता है तो मेरा चैनल आपकी जवाबदारी नहीं लेगा, इसीलिए अपने विवेक से वीडियो को देखें। यह कहानी है महुआ गांव की और यहाँ एक विजय नाम का आदमी था जो कई लोगों की तरह भूत पिशाच प्रेत आत्माओं में नहीं विश्वास करता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी में विश्वास नहीं करता था। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका बहुत मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उस तांत्रिक ने कहा कि तुम इस चीज़ को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, तुम उसे अवश्य करना। अगर तुम करते हो और तुम्हारे साथ कुछ भी घटना घटती है तो तुम हम पर कोई भी केस या कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाओगे। बहुत लोगों के सामने उसने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आप पर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं करूँगा। उस तांत्रिक ने उसे उपाय बताए कि रात्रि के 12 बजे अमावस्या के दिन, पूर्ण अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में एक नदी और उस नदी के नीचे बैर का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जाना, वहाँ लाल कपड़ा रख देना और एक सुपारी, एक पान, एक 25 पैसे का जो पुराना सिक्का होता है वह रख देना और तुम वहाँ पर कह देना कि जो भी भूत यहाँ है, आत्मा यहाँ है, मैं उसे आवाहन करता हूँ और उसे अपने शरीर में आने की अनुमति देता हूँ और मैं अगले अमावस्या के दिन आऊँगा और ऐसा कहकर तुम्हें वहाँ से चला आना है। ऐसा ही विजय ने किया। पहले अमावस्या के दिन वो अपने पूरे होश हवास में वहाँ गया और जो भी विधि बताई थी उस तांत्रिक ने उस विधि को पूरा किया और घर आ गया। अगले अमावस्या के दिन धीरे धीरे अफवाह गाँव में फैल गई, लोगों को पता चली कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं। लोग देख रहे थे कि क्या तांत्रिक सही होता है या क्या विजय सही होते हैं। परंतु जब अमावस्या के दिन आया तो कई लोग सोच में पड़ गए, कहीं विजय भाग तो नहीं जाएगा या कहीं तांत्रिक कुछ जादू टोना तो नहीं करेगा। विजय रात 12 बजे उसी दिशा में, दक्षिण की दिशा में चल पड़ा। लोग उसके आने का राह देख रहे थे, विजय रिटर्न जब आएगा तो उससे पूछेंगे। पूरी रात गुजर गई, विजय नहीं आया वापस। लोग जब सुबह वहाँ देखने के लिए गए तो देखा विजय वहाँ शुद्ध बुद्ध खोकर बेहोश पड़ा हुआ है। उसे घर लाया गया, बहुत उपचार हुए, न तो वो बोलता था, न तो वह खाता था, न तो सोता था, सिर्फ चिल्लाता था रातों भर। दिन में उसे लोग बांध के रखते थे जंजीर में, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी थी। लोग तांत्रिक को बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे। तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि आप अगर इस पर विश्वास करते हैं तो भी आप कार्य करें, नहीं मत करें, मैं इसकी जवाबदारी नहीं लूँगा। परंतु इन्होंने नहीं माना और मेरे द्वारा बताए गए क्रिया करने से इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। और कई सारे तांत्रिक को बुलाए गए, एक साथ कई तांत्रिक वहाँ बैठे, चारों तरफ से उसे बंधन दिया गया, उसे घेरा गया, पूजा हवन हुए, बहुत सारे तांत्रिकों ने बहुत सारी विधियाँ की, महीने तक विधियाँ चली, तब जाकर धीरे धीरे विजय होश वापस आने लगा। तब विजय ने सारी बात लोगों से बताई कि रात में वह वहाँ गया था, उसने जो भी विधि बताई थी उसे किया। परंतु तांत्रिक ने उसे एक और बात कही थी कि जब तुम वहाँ जाओगे तो एक बात अवश्य ध्यान में रखना कि तुम्हें सिंदूर की एक डिबिया लेकर जानी है जिससे तुम्हें लाल घेरा बना लेना है अपनी चारों तरफ, उस घेरे से बाहर नहीं आना है। यही चूक विजय से हो गई थी,
और वह लाल घेरे से बाहर खड़ा था। उसके बाद उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ ऐसे क्या हो गया, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और आज उसे पता चला कि उसके शरीर में महीनों से बहुत सारे भूत वास कर रहे थे। तब से विजय मानने लगा इस घटना को। अगर आप इस तांत्रिक विद्या को करते हैं और आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो मेरा चैनल इसकी जवाबदारी नहीं लेगा और मेरा चैनल आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने संयम से करें और अपने संयम से इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग जान सकें, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए आज्ञा दें, धन्यवाद।